सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा फिफ्थ चैप्टर चालू था, सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज, ये इसका सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, हमने कल के पार्ट में देखा था कि स्टेट की जो फॉर्म है वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फिर उनकी प्रॉपर्टी भी देखी थी। लास्ट पार्ट हमने देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर दिया था, टेम्परेचर किसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो थर्मामीटर दिया था, थर्मामीटर की हमने यहाँ पे जानकारी देखी थी। अभी इस थर्मामीटर के ऊपर आपको एक एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस। टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी, द बल्ब एट लोअर एंड्स इट फिल विथ मर्क्यूरी। आपको एक थर्मामीटर लेना है, द मर्क्यूरी राइज टू द सर्टन लेवल ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबाउट द ट्यूब। जो आप ट्यूब ले रहे हैं उसमें आपको जो आप थर्मामीटर डालोगे तो जो मर्क्यूरी का मार्क है वो यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। यू विल सी द स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी वॉल्यूम। जो स्केल है वो जो मर्क्यूरी वॉल्यूम की यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है थर्मामीटर वहाँ पे रीडिंग। द फिगर नियर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी टेल अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब्स ऑफ थर्मामीटर। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, जैसे ये थर्मामीटर का पिक्चर है, तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड रेड, ये क्या है, मर्क्यूरी के यहाँ पे लाइन है। वो मर्क्यूरी क्या करता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर कैसा है, वो फिर वो टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर जो नंबर है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है। होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्स इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे बाउल में वाटर लेना है, फिर वो जो थर्मामीटर है उसमें डालना है, फिर वाटर के जो टेम्परेचर है वो कितना था वो आपको देखना है। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वेसल। तो जो आपने यहाँ पे कंटेनर दिया होगा उसमें आपको फिर हॉट वाटर डालना है यानी गर्म पानी डालना है, उसका टेम्परेचर देखना है, फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर और आइस। जो हमने पहले वाला जो वाटर लिया था वो हमारा सिंपली वाला था, यहाँ पे आपको ठंडा वाला पानी लेना है यानी जो आइस से यहाँ पे भरा हुआ हो वो वाटर लेना है, और फिर उसका टेम्परेचर काउंट करके देखना है। नोट द टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, ये रीडिंग ऑफ थर्मामीटर के लिए ये हमें एक्टिविटी दी थी कि एक सेक्शन के जो है वो उसके जो है उसका टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो उसके शेप है, जैसे कि पहले वो सादा पानी था, फिर हमने गर्म, फिर यहाँ पे आइस वाला, तो उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग आता है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, सम एग्जांपल टेम्परेचर यहाँ पे बॉइलिंग वाटर, जैसे कि हमने यहाँ पे हॉट वाटर हमें यूज करने के लिए बोला था, तो वो क्या बॉइलिंग, उसी को क्या बोलते हैं बॉइलिंग वाटर, यानी वो उबला हुआ पानी है तो वो क्या गर्म ही रहेगा, हॉट वाटर रहेगा, तो उसकी जो डिग्री है वो कितनी आती है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आती है। फिर फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर यानी हमें लास्ट में यहाँ पे वाटर और आइस यहाँ पे यूज करने के लिए बोला था, तो वो आइस क्या यहाँ पे फ्रीज हुए होते हैं, वाटर का वो फ्रीजिंग जो है शेप हुए वो क्या क्यूब बन जाते हैं, इसलिए फ्रीजिंग वाटर की यहाँ पे जो थर्मामीटर डिग्री लेगा तो वो कितने आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर एयर है विंटर नाइट, तो जो विंटर में रात को जो ठंडी हवाएं चलती है तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे जो है 15 से क्या होता है कि वो यहाँ पे 15 से ज्यादा होता है। फिर ये यहाँ पे एयर समर इन आफ्टरनून, तो वो क्या होता है यहाँ पे 35 डिग्री से यहाँ पे कम होता है। इनसाइड द फ्रिज, यहाँ पे जो फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री से कम होता है। फिर इनसाइड द फ्रीजर, फिर जो बॉक्स होता है जिसमें आप क्यूब रखते हैं तो वो -80 डिग्री से वो कम होता है। फिर बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 37 डिग्री का हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। फिर यहाँ पे दिया है कि अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे कोनिकल यहाँ पे वेसल दिए तो वो जो है कैसे पकड़ती है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है उसके जो यहाँ पे माउथ है उसको नहीं पकड़ना है, उसके नीचे यहाँ पे आपको पकड़ना है। जैसे कि ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि माउथ को यहाँ पे पकड़ने में जा रहा है, तो वो क्या रॉन्ग है, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे उसके यहाँ पे माउथ से वो बाहर आएगी, तो वो आपके हाथ को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए आपको कभी भी यहाँ से उसको पकड़ना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखा था वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभी बॉइलिंग के ऊपर हम यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेट, जो ये वाटर है वो क्या भाप बनते रहता है, जैसे कि वो जो रिवर का पानी उसकी भाप होती है या फिर सी का भी भाप होता है, तो और हम भी हमारे यूज के लिए कभी कभी वाटर क्या करते हैं बॉइल करते हैं, इसलिए वो इवेपोरेटिंग होता रहता है। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन द इट्स ओन, तो हम जैसे देखते हैं कि फ्लोर में अगर हमने जमीन पे वाटर ऐसे फैला दिया तो वो क्या होता है अपने आप ही क्या होता है वो सूख जाता है, ड्राइज अप यानी सूख जाना, यानी क्या जो सन होता है तो वो क्या करता है अपनी रोशनी से वो
सन की वजह से वो पानी जो है वो पूरा सूख जाता है। दिस इवेपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ये जो इवेपोरेशन कैसे होता है कि वाटर की जो सर्फेस होता है अपर सर्फेस, उससे यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। व्हाट हैपन व्हेन द वाटर बॉइल्स। तो जब हम वाटर को बॉइल्स करते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है कि जो वाटर बॉइल्स होता है तो वहां से हमें भाप जाती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज विथ एंड इट एवेपोरेट एज फास्टर एज रेन। तो यहाँ पे हम जब जो पानी है उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाना, फिर वहाँ से वो एवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है वो भी फास्टर से। वेन द वाटर केप ऑन अ स्टोव अटेन द पार्टिकुलर टेम्परेचर और लेवल ऑफ हीट देन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। तो जैसे ही हम कोई भी यहाँ पे कंटेनर लेंगे उसमें पानी लेके वो रख देंगे स्टोव के ऊपर, तो जैसे स्टोव के ऊपर रखा यानी हम उसको हीट करें तो जैसे जैसे वो जो हीट उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है इन ऑल पार्ट, जितना भी उसके पानी है वो पूरे पानी में वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। वेन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एज फास्टर एज द रेट द सर्फेस एंड स्टीम मेकिंग मिक्सिंग द एयर। तो जैसे कि हम बॉइल के फिर जब पानी जो गर्म हो जाता है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि वो बॉइल होना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो वो बॉइलिंग क्या करता है कि पानी और फिर जो कंटेनर के आसपास यहाँ पे एयर होगा वो क्या होता है फिर वो मिक्स हो जाते हैं और उसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं भाप मिलती है। दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं कि वाटर का बॉइल होना या तो इवोल्यूशन, उसके प्रोसेस का नाम क्या है इवोल्यूशन है। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सी का यहाँ पे लेवल पे जो पानी होता है प्योर वाला उसका जो यहाँ पे बॉइल होने का यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दे वो भी कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आपको पूछा गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो यहाँ पे कितना है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट कन्वर्ट इनटू द वाटर अगेन। तो जब ये वाटर वेपर जो है कि वो ठंडे हो जाते तो वो क्या होता है पूरे वापस से वो क्या होता है पानी में कन्वर्ट हो जाते। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी कंटेनर में पानी बॉईल करके निकली रख दिया उसके ऊपर ढक्कन रखा तो जो भाप है वो जो है ढक्कन के ऊपर लग जाती है, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो हमें वहाँ पे वाटर वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट हुए हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, मतलब वो पहले पानी था फिर उसकी भाप बनी और वापस से वो पानी में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये कंडेंसेशन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडेंसेशन भी कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी होता है। इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर द सेम। तो इसलिए क्या है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और कंडेंसेशन पॉइंट है वो दोनों का यहाँ पे इक्वल है। ये आपको आपको यहाँ पे डायग्राम दिए बॉइलिंग कैसे किए। एक यहाँ पे उन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड लिया है उसके ऊपर यहाँ पे वो नेस डाली है, ये बर्नर है या तो आपका आप स्टोव भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसमें जो कंटेनर है उसमें आपने पानी डाल के यहाँ पे उसको बॉइल करने के लिए रख दिया है और वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना आएगा ये देखने के लिए हमने यहाँ पे थर्मामीटर डाला है। तो ये जो मर्क्यूरी है वो क्या करता है यहाँ पे वो स्टार्टिंग में इतना रहता है, जब वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो जो रेड साइन है वो ऊपर से यहाँ तक जाती है, तो जहाँ तक वो रेड साइन जाती है तो वो क्या होता है उसका टेम्परेचर होता है। लेट्स ट्राई दिस। टेक सम वाटर इन अ ब्रीकर एंड प्लेस द थर्मामीटर इन इट। आपको एक ब्रीकर लेना है उसमें पानी डालना है फिर जो थर्मामीटर है वो डाल देना है। हीट द ब्रीकर्स ऑन द स्प्रिट लैम्प। जैसे कि हमने यहाँ पे ये प्रोसेस देखी वैसे ही उसको हीट करना है। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रिपीट द एक्टिविटी एडिंग द सॉल्ट शुगर टू मेक वाटर एंड टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम इट। तो जैसे कि हमने वो वाटर है बॉइलिंग करने के लिए रख दिया है तो आप जब वो बॉइलिंग हो जाएगा तो फिर जो एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है सॉल्ट डाल के फिर वो शुगर डाल के। तो फिर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन जो हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट मिक्सचर जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा फिर शुगर का कितना आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। वाइल गेनिंग हीट बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ये आपकी पूरी प्रोसेस दी है। बॉइलिंग पॉइंट से यहाँ पे हमें वेपर्स मिलते हैं ठीक है, जो पहले सॉलिड मेटल था वो हमने हीट करने के बाद वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड के बाद वो यहाँ पे जो है गैसेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाने के बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं फ्रीजिंग यानी क्या होता है कि जब हम उसे ठंडा करते तो वापस वो लिक्विड में आ जाता है। ये क्या है यहाँ पे वाइल लूजिंग हीट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हीट वो गेन कर रहा था यानी उसको हीट मिल रही है, हम स्टोव में उसको गर्म कर स्टोव से उसको गर्म कर रहे हैं, फिर जब हमने यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस देखी तो वो क्या करते ठंडा करते तो यानी उस जो हीट है वो क्या
क्या होती है, यहाँ पे लॉस हो जाती है, लॉस यानी वो खत्म हो जाती है हीट उसमें से, तो वो फ्रीजिंग, उसको फ्रीजिंग भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको वर्ड्स दूंगी और क्वेश्चन दूंगी, वो आपको सॉल्व करने। ठीक है, थैंक यू।